होगी, यहाँ पे क्यों सुनी होगी, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं ना, है ना, क्या सुन रहे हैं, इसका मफहूम क्या है। बड़े खानकाहों में लोग गवाह गाते भी हैं और सुनते भी, आप लोग सुनिए, खाली सुनने से नहीं होता है, समझने से भी होता है, कमर कर सकते अल्लाह अल्लाह जो कह रहे हैं अल्लाह के वादा में सुना है ना, ज्ञान कर रहे अल्लाह की बयान कर रहे हैं। असल में हजरत इब्राहिम बात यह है, कुरान भी है हदीस पाक भी है, और सुनिए, एक जमाना ऐसा भी गुजरा, एक जमाना ऐसा भी गुजरा कि न जमी था न जमा था, न मकी न मकान, न पहाड़ न समंदर, न फरिश्ते न हजर न हजर, न जमीन, कोई जर्रा जर्रा कायनात का कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और अगर पूरे कायनात में सिर्फ और सिर्फ और जलवा जिसका था, अल्लाह लिल्लाह लहू हू, इस अल्लाह जिसे इस्म आजम कहते हैं, हजरात ग्रामी अरबी का लफ्ज है, शान रब कदीर ये है कि इस अल्लाह के एक एक हुर्फ को अलग कर दीजिए, माना नहीं बदल रहा है, अल्लाह लिल्लाह लहू हू। तो एक जमाना ऐसा भी आया है कि कोई चीज जरा नहीं था पूरे कायनात में, सिर्फ और सिर्फ क्या था, हू हू अल्लाह हू अल्लाह, सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह। अब इसके आगे ही बता देते कि जब रब्बे कदीर को तश्कील कायनात करनी हुई तो सबसे पहले रब्बे कदीर ने अपने नूर से अपने नबी आखरू जमा को पैदा फरमा करके आलम नूर में बनाम अहमद रखा, और बिलखीर जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम जहूर में आए तो उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। पढ़ो, तुम्हारा सिरा
हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए शराबा या रसूल अल्लाह, दो दो आलम आलम का, दो दो आलम का सरवर हमारा नबी, दो दो सर्वर का मान समझते हैं, सर्वर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वर है ना? जी जी। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए जो मसाइल किया है उनके मेरे कलाम बना मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे मुश्किल से मुश्किल जो काम है ना वो मैं आपको बात कसम है सर, मुझे मिले ऐसा क्यों रुकते के हेर फेर से इंसान सदा जुदा होता है, ईमान का तोबा कब लोग समझ रहा है वो कह नहीं सकता। चुनाचा इस पूरे मेरे 205 204 जो कि मैंने अर्ज किया आपसे, बहुत ही हिम्मत किया, बहुत ही जरूरत की, तो सिर्फ और सिर्फ तीन नाग बात लिख सकता, वो भी कैसे लिखा, हर शेर को किसी आलिम दीन से अपनी होकर तस्दीक करें कि कोई गिरफ्त तो नहीं हो रही है, तो पूरी जिंदगी का जो सरमाया था थोड़ा बहुत बटोरा है कहीं रुखसत तो नहीं हो रहा है। लिहाजा उन जो तीन नाते पाठ है आखिरी जो है अपना तो मूल पाठ तीन भी है, अभी मेरा मुश्किल से है ऐसी लेते लेते वो भी अपना जो है यहाँ से कहते ना अभी लगा बजाते पलवी प्रसार शुरू हो गए, और आप सुनिए इस नाते पाठ को, हर शेर जो है एक मौजू है तकरीर है सूरत पाक का, आप देखिए खुद देखेंगे उस पर बेहतरीन किस्म की जो है बहुत ही सबक आमोज जो है कोई मुकर्रर होगा उस उनवान को जो तकरीर का मौजू बना सकता है और फिर उस बयान किया जा सकता है, आप सुनो जिसको खालिक ने अहद कहा अर्श पर, जिसको खालिक ने अहद कहा
बशर की तशहीर करने वालों न उठ सका तुम पे बार ऐसा कि खाकियों की इस अंजुमन में अर्श का ताजदार आया। ठीक है, अब सुनिए, जो है बशर तो है लेकिन कैसे बशर है? वो है मिसले बशर पर है नूरे खुदा। जिसकी आमद से रोशन हुआ दीन हक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाते तो हमको दीन मिलता है? उनकी आमद से हमें दीन रोशन हुआ ने? सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे, देखिए सिराज मैंने चिराग के होता है, सिराज मुनीरा नूर वाला चिराग, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीरा हमारे लिए हैं। अब सुनिए, वो सिराज मुनीरा हमारा नबी, वो सिराज मुनीरा हमारा नबी, जिसकी आमद से रोशन हुआ दीन हक, जिसकी आमद से हुआ दीन हक, वो सिराज मुनीरा हमारा नबी, वो सिराज मुनीरा हमारा नबी। रब ने जिसको बुलाया था मेराज पर, रब ने जिसको बुलाया था मेराज पर, रब ने जिसको बुलाया था
ऐसा महबा के रब ऐसा महबा के रब है हमारा नबी। जानते हैं कि ये मेराज शरीफ का जो मामला जो कुरान की रोशनी में साबित है जो भी है, तो हम और आप क्यों चले गए भाई हैं? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब्बे खदीर ने अपने महबूब पाक को बुलाया, तो मेहमान खास नहीं हुए? मेहमान खास हुए कि नहीं हुए हैं? हजरत मूसा तवज्जो का तारिक, हजरत मूसा अली सलाम ने जो फरमाइश की कोहे तूर पर रब्बे अरनी जब कहा तो क्या जवाब आया? लन तरानी, नहीं हो सकता। थके कलामुल्लत है ना, थके कहते कहते और बहुत कहा चिरूड़ी जिसे कहते हमारे, बहुत कहा तो सूर्य की नोक के बराबर तजिल्ले इलाही जो पहाड़ की चोट पे आई तो क्या अजर हुआ? पूरा कोहे तूर जो है सुरमा बन गया, खाक बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम जो बेहोशी काल में जो है बेहोश हो गए, गिर गए, मगर दीदार हक नहीं हुआ। इसलिए मेरा वो जो शेर है ना मेरा उतनो बिन्नी, जब कहा दीदार हक पूरा हुआ, उसी जिस संदर्भ में है। तो सरवरे कायनात सल्लम की शान वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज ने बुलाया, तो जब मेराज ने बुलाया तो ऐसे उसे मान तो मेहमान तो नहीं थे, ऐसा मेहमान जिसको रब ने कहा रहमत। देखिए मैंने यहाँ लिखा है हर जहाँ, दो जहाँ क्यों नहीं लिखा? कुरान कहता है वमा सल्ला किल्ला रहमतली आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम आलम, एक नहीं जितने भी कायनात के अंदर आलम है उनका रहमत बना के भेजा है। देखिए जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि कितने मिलियन एंड ट्रिलियंस जो है मखलूक है, मिल्की वे ले लीजिए, उसके अंदर न जाने कितने आप मखलूक हैं। तो जाहिर सी बात है एक मखलूक, दो मखलूक, दस मखलूक, मिलियन ट्रिलियन नहीं, जितनी भी कायनात मखलूक है उन सबका जो रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल आलमीन है सरकार द्वारा सलाम। इसीलिए मैंने हर जहां कहा है जिसको रब ने कहा पढ़ते हैं ना, क्या मतलब हुआ?
कुरान है ना, कुरान किसी बाणी नहीं है, कुरान है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरुद सलाम भेजते हैं, उन्होंने तुम भी दरुद सलाम भेजो। इसी को उन्होंने कहा, क्या कहा, जिसने रब ने पढ़ा है दरुद सलाम, जिसने रब ने पढ़ा है दरुद सलाम। जज्बा है, उसकी अकीदत है, उसकी मोहब्बत है, उसकी शफकत है, जो मैंने इस शेर में पिरोया है कि उसका ईमान बन जाए, उसकी दिल की आवाज़ बन जाए और जब दुनिया में रहे तो उसी जज्बात के तहत रहे और जब आखिरत उठे तो उसके लब पे वही दुनिया जिसकी जो है मैंने काफी करने की कोशिश की इस शेर में। Yeah.
Good job.